मेरे सारे व्यूअर्स को आज के इस नए वीडियो में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज मैं बनाने जा रही हूँ सीख कबाब, गोश्त के नहीं, वेजिटेबल के। और मैंने इसमें ली है अपनी पसंद की वेजिटेबल्स। आप जो चाहें अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ले सकते हैं। वेज सीख कबाब बनाने के लिए हमने जो मसाले लिए हैं वो है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा भुना हुआ पाउडर, और यह है चाट मसाला 1/2 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून हमने गरम मसाला लिया है। ये पनीर है हमारे पास होममेड, इसको भी मैश करेंगे तो ये लगभग 1 कप हो जाएगा। इसके साथ हरी मिर्च ली है हमने, 2-3 काट के रख लें। ये 1 टेबलस्पून तली हुई प्याज है, ये 1 टेबलस्पून चने हैं हमारे पास, इन तीनों को हम ग्राइंड करेंगे। 1/2 मुट्ठी हरा धनिया है, इसे चॉप कर लिया। ये अदरक है 1 टेबलस्पून, और 1 मीडियम प्याज है जिसे हमने ग्रेट कर लिया और इसका पानी निचोड़ लिया। ये एक कप आलू है, और 1 कप ही हमारे पास ये कैबेज है यानी पत्ता गोभी, और 1/4 कप हमारे पास है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और ग्रेट की हुई गाजर है, ये भी 1/4 कप है। चने, तली हुई प्याज और हरी मिर्च को हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, बारीक पीस लेंगे। आप चनों की जगह बेसन भी ले सकते हैं, और बेसन को फ्राई करके हल्के तेल में और इसमें शामिल कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मेरे पास चने थे तो मैंने सोचा चने पीस लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये पनीर और इसे हम मैश कर लेंगे। देखें कितने आराम से मैश हो रहा है, और इत्मीनान से आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपने खुद घर पर बनाया है, तो ट्राई करें घर पर बनाना। इसके साथ ही ये आलू भी इसमें डाल देंगे, और ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे तो उन्हें हमने बॉईल कर लिया, और फिर या तो आप ग्रेट कर लें या मैशर से मैश कर लें। तो इस तरीके से इन दोनों को मिक्स करेंगे। अब हमने शिमला मिर्च और गाजर भी मिक्स कर दी, और इसके ऊपर जाएगा हरा धनिया। खूब सारा हरा धनिया डालें। हरा धनिया जो होता है वो एक तो कलर देता है, और दूसरे ये इसमें एक ताकत होती है हाजम करने की, अच्छा डाइजेशन भी करता है, तो दोनों काम ही करता है कि कलरफुल भी है और हेल्दी भी है। अब थोड़ी देर इसको हमें गूंदना है, यानी अच्छी तरह गूंदने से क्या होगा कि मिक्स हो जाएगा सारा। तो हम गूंद चुके हैं काफ़ी, और 10 मिनट का रेस्ट भी दे दें। हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम जो है इसको रेस्ट नहीं दे पाएंगे। अब हम ये हमने चॉप स्टिक्स ली हैं, और वुडन स्टिक्स आसानी से मिल जाती हैं, और नहीं तो आप नटराज पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने वो भी देखा है कि लोग उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे लिखने के लिए और माएँ कबाब बनाने के लिए, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से ये हमारा कबाब तैयार हो गया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल डाल दिया हमने, और फ्लेम ऑन है हमारा। तो अब देखें, थोड़ा सा पानी लगा लें जिससे इसका शेप अच्छा है, क्योंकि शेप भी अच्छा आना चाहिए बढ़िया सा। और इस तरीके से कबाब को हम ऑयल में डालेंगे। अब ये देखें, ये हमने दोबारा से बनाया है, ये सीख हमने दोबारा लगाई,
इसका भी अभी आपको पता लगेगा ऐसा क्यों हुआ। ये गया फ्राइंग पैन में। अब आप सोच रहे होंगे फ्राइंग पैन तो हमने चेंज कर लिया, ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, कुकिंग के भी ये ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हमने लिया था ये फ्राइंग पैन, ये भी नॉन स्टिक है, लेकिन इसने नॉन स्टिक वाला कोई काम नहीं किया, कोई वफादारी नहीं निभाई हमारे साथ, तो इसलिए हमने पुराने वाले पे जो कि इतनी अच्छी कंडीशन में भी नहीं है, लेकिन इसने साथ दिया और हमें सारी चीज़ इसमें ट्रांसफ़र करना पड़ी, तो ये वजह बनी फ्राइंग पैन चेंज करने की। अब ये जा रही है दूसरी सीख। उस फ्राइंग पैन में जो हमने कबाब बनाया था उस बेचारे का ये हाल हुआ, तो ये भी हम आपको दिखाना था कि ये एक्सपीरियंसेस जो है ना बहुत मज़ेदार भी होते हैं। अब देखें इसे हम देख चेक करते रहेंगे कि कौन सा गोल्डन ब्राउन हो गया, तो ये वाला हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा ध्यान से तो हम इसे टिश्यू से पकड़ लेंगे, और ये रही हमारी रोटी, और इससे ऐसे आहिस्ता से खींच के ऐसे रख देंगे। इस तरीके से ये दूसरा भी आ गया। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। बहुत मज़े के कबाब बने, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और जब भी ट्राई करें मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। वेजिटेबल सीख कबाब हमने तैयार कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं, और हमने आपसे एक एक्सपीरियंस भी अपना शेयर किया। कभी कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको उसमें कभी घबराना नहीं चाहिए, और उसको बहुत इत्मीनान से उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, और उसी को हुनरमंदी कहते हैं। तो आप भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाज़िर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।